हाय गाइस, आज हम चलाने वाले वेरना 1.6 डीजल मैनुअल। ये 1.6 सीआरडी है, डीजल 4 सिलेंडर इंजन। इंसुलेशन देखिए आप, यहाँ ऊपर ये बहुत ही भारी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सामने देखिए, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। एलईडी डीआरएल आते पर ये हेलोजन में आते हैं। साइड में देखेंगे आप, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलेंगे, स्टैटिक कॉर्नरिंग फॉग लैम्प आते हैं। जिसमें फ्रंट बम्पर और साइड में देखेंगे तो आपको 195/55 R16 अलॉय व्हील्स का डिजाइन बहुत ही अच्छा है। सामने आपको फ्रंट डिस्क बहते हैं, गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी का, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश बैठते, क्रोम डोर हैंडल्स, कीलेस एंट्री और ग्राउंड क्लियरेंस। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ वेरना का बैजिंग आती है, ह्युंडई लोगो, 1.6 डीजल इंजन, SX की बैजिंग आती है टॉप एंड। इसका बूट जो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, हिटता है, और नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। साइड में आप अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डीजल का नॉब है, और पीछे देखेंगे तो आपको ऐसी सिटिंग पोजीशन मिलती है। यहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम नी रूम डिसेंड है, हेड रूम भी डिसेंड है। टू आर्मरेस्ट में, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है विथ टू कप होल्डर्स। पीछे आपको टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ एसी वेंट्स मिलते हैं, और 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिलती है वाटर रोलर्स। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, ज्यादा कुछ नहीं। बूट ओपन करते हैं हम। गाड़ी का बूट जो है कुछ इस तरह सा है, बिग, थोड़ा सा बिग से है, डिसेंट बूट है। आपको टू बिग साइज बैग और 3 स्मॉल साइज बैग आराम से बैठ जाएंगे, 4 लोगों का सामान आराम से बैठ जाएगा। अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे RPM और स्पीडोमीटर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट स्टीयरिंग आता है इसमें। इधर आपको साइड में इलेक्ट्रिक मिरर एडजस्टेबल मिलते हैं, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स आते हैं इसमें, और यहाँ पे आपको विंडोज के कंट्रोल बिट मिलते हैं। हाइट का एडजस्टेबल सीट्स आते हैं, आर्मरेस्ट आता है एडजस्टेबल, और यहाँ पे आपको
जगह मिलती है थोड़ी सी, आपको आपको फोन फोन रखने के लिए जगह मिलती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं। आपको 8 इंची डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है और इसमें 8 इंची इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। ग्लो बॉक्स आता है डिसेंट इन साइज, थोड़ा ऑटो डिमिंग IROM आता है, ऑटो डिमिंग मिरर। इसमें आपको AC के कंट्रोल्स आते हैं। वायरलेस ब्लूटूथ आता है, वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आता है और थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आता है, वाइपर का थ्रो भी अच्छा है, वॉश भी अच्छा है, पर इसमें रेगुलर वाइपर आते हैं, एरोडिन वाले वाइपर नहीं आते। हेडलैम्प का थ्रो भी अच्छा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है। सनरूफ की साइज थोड़ी सी छोटी है पर डिसेंट इन साइज। कुछ इस तरह दिखता है अंडर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ट्वेल्व वोल्ट चार्जर आता है, टाइप सी USB पोर्ट आता है, ऑक्स का केबल आता है और इंजन स्टार्ट बटन आता है। देयर इज नथिंग मोर इन दिस कार। इसमें जो चलाने का मजा है वो अब हम देखेंगे। वेट फॉर ड्राइव। हाय, अब हम चलाने वाले वेरना 1.6 डीजल मैनुअल और ये फर्स्ट गियर, हैजर्ड लाइट्स ऑफ। थोड़ी सी व्हील स्पिन। इसमें आता है 126 BHP का पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। स्मूथ गियर शिफ्टिंग आता है इसमें। डीजल चलाने में जो मजा है वो इस गाड़ी में है। सेडान सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट Hyundai की सेलिंग कार है। वाइपर का स्प्रे भी अच्छा है इसका। सिटी में आपको बहुत ही अच्छी माइलेज देगी, डीजल है इसलिए। इसमें टर्बो चार्ज डीजल इंजन आता है। सेडान चलाने का जो फील है वो इस गाड़ी में है। डीजल इंजन है लेकिन इसमें रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है और इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है इसमें। आपको बहुत ही स्मूथ टर्न लेते हैं। सिटी में जब आप चलाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीटिंग पोजीशन भी अच्छी है। बम्पर थोड़ा सा थोड़ा बहुत दिखता है और हाईवे पे आपको बहुत ही रिलैक्स फीलिंग देगा ड्राइविंग का। जो ड्राइविंग प्लेजर है, जो गाड़ी चलाने में मजा है वो इस गाड़ी में बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। फ्रंट दोनों डिस्क आते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका गियर शिफ्टिंग जो है वो एकदम स्मूथ है। सस्पेंशन भी अच्छा है इसका। जो पावर आउटपुट है इसका ऑलमोस्ट 1200 RPM से चालू होता है और जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 400
आरपीएम से चालू करता है, 1400 आरपीएम से चालू करता है और टिल 3800 आरपीएम तक खींचता है। इसमें आप देखेंगे तो चलाने में जो मजा है, फोर्थ गियर में हूँ तभी पिकअप लेती है गाड़ी। आप कौन से भी गियर में अगर गाड़ी ड्राइव करोगे तो भी ये पिकअप लेगी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखेंगे तो भी बहुत अच्छी। अबाव 120 है हम और इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी। ड्राइविंग चालान आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और शोर फुटेड ब्रेकिंग है, आपको कोई भी डर नहीं लगता है इस गाड़ी को चलाने में। आउट ऑफ कंट्रोल होगी ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी रोल है वो भी मिनिमल है, सडन है इसलिए बॉडी रोल आपको फील नहीं होगी। IQ 7 प्लेटफॉर्म पे बनी है। और इसका माइलेज जो है वो सिटी में आपको देगा 17 से 18 और हाईवे पे आपको देगा 24 से 25 तक आपको देगा। आपके चलाने ऊपर डिपेंड है, आप कैसा चलाते हो गाड़ी इस पे डिपेंड है, पर इन केस बहुत अच्छी माइलेज देती है गाड़ी। सेडान सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिटर है होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियास और कंपेरेटिव उसमें से इसमें पावर बहुत ही अच्छा मिलती है। कंपेयर में इस सेगमेंट में पावरफुल इंजन आता है इसका, डीजल में और पेट्रोल में दोनों इंजन ऑप्शन है इसमें। हम चला रहे वो डीजल इंजन में। आपको ज्यादा बम्पी भी नहीं फील होती, सेडान है इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस भी कम रहता है पर इसका अच्छा है, 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसमें। कोई भी बम्पी राइड नहीं देती, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है चलाने में। डीजल का जो साउंड है इंजन का वो आपको मजा देता है। इसका आप टर्निंग रेडियस भी देखेंगे एकदम सा छोटा सा है, स्मूथ राइड है, कोई भी आपको टर्निंग में बॉडी रोल नहीं फील होता। और ये जो पिकअप है आपको डीजल इंजन में बहुत ही अच्छा मिलेगा, डीजल में टॉर्क ज्यादा होता है इसलिए आपको गाड़ी खींचने में जो मजा आती है वो बहुत अच्छी मिलती है। कौन से भी गियर में आप डालोगे तो गाड़ी आराम से निकल जाती है। इसमें आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग मिलते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। कई से जाना है कदम लगा मने जाते हैं एकदम तो उसका दम लगा मैं। बाला बड़ा था
फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं अबाउट 3000 RPM पे, 40 की स्पीड लेते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको देते हैं पूरा खींचने पे 60-70 की स्पीड। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है अपने टाइम की। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले वायरलेसली कनेक्ट होता है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसमें। और जो स्पीड ब्रेकर पे बम्प है वो थोड़ा सा फील होगा। टर्निंग रेडियस भी इसका अच्छा है। कोई भी दिक्कत नहीं होती छोटे लाइन से निकालने में गाड़ी को। करंट माइलेज दे रही है 17.5 का, 18 का माइलेज दे रही है हमारे ड्राइविंग के हिसाब से। हम थोड़ा सा रफ ड्राइव कर लें इसलिए ये तो बहुत अच्छा देती है। भी ज़्यादा नहीं फील होता। सस्पेंशन में थोड़ा आपको ऑफ रोड में थोड़ा सा फील होगा बम्पीनेस, लेन रोड को आप कुछ भी नहीं फील होता। हाईवे पे आपको बेस्ट राइड क्वालिटी देती है। और ऐसा था कहा था वेरना 1.6 डीजल मैनुअल का। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है अपने टाइम की। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले वायरलेसली कनेक्ट होता है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसमें। और जो
स्पीड ब्रेकर पे बंप है वो थोड़ा सा फील होगा। टर्निंग रेडियस भी इसका अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होती छोटे लाइन से निकालने में गाड़ी को। हमको करंट माइलेज दे रही है 17.5 का, 18 का माइलेज दे रही है हमारे ड्राइविंग के हिसाब से। हम थोड़ा सा रफ ड्राइव कर लें।